हेलो एवरीवन, रूबेन हियर फ्रॉम एक्यूरेटी सर्विसेज। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे हाउ टू ऐड चैप्टर्स टू योर वीडियोस यूजिंग टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइम स्टैम्प्स जो है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। तो सपोज मैंने ये जो वीडियो है हमारा चैनल का टेक फॉर यू का, वो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। तो यही वीडियो में मैंने चैप्टर्स जो है वो ऐड किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर्स क्या होते हैं। सपोज मैं अभी ये जो यहाँ पे कर्स कर रहा हूँ, कर्सर घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड्स के ऊपर एक लिखा है क्रिएट न्यू इवेंट इन गूगल कैलेंडर। तो मैंने वो चैप्टर रखा है कि इतना सेकंड से इतना सेकंड तक वो चैप्टर एक है, 0.25 तक। फिर 0.26 से दूसरा चैप्टर होता है, जैसे कि एडिट द इवेंट इन गूगल कैलेंडर, वैसे मैंने तीन चैप्टर यहाँ पे बनाया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ये जो है ये चैप्टर्स है। तो आप जब यहाँ पर ये ऐड करोगे तो ये वीडियो में वो चैप्टर्स डिवाइड हो जाता है। तो उसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, आपके जहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डालते हो वहाँ पर, ये वीडियो का जो एडिटिंग पार्ट है वो ही है। तो यहाँ पर चैप्टर्स चैप्टर्स लिख दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ये वीडियो का, वो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी चैप्टर आप शुरू करोगे तो उसको यहाँ पर जीरो से आपको शुरू करना है, जीरो। एंड उसके बाद एक स्पेस देके यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, आपका वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर है हाउ टू स्केड्यूल रिकरिंग मीटिंग इन गूगल कैलेंडर, तो मेरा फर्स्ट चैप्टर मैं यहाँ पर रखूंगा क्रिएट न्यू इवेंट इन गूगल कैलेंडर, क्योंकि वो वीडियो उसके ऊपर है। तो यहाँ पर क्रिएट इवेंट इन गूगल कैलेंडर। एंड मेरा सेकंड चैप्टर जो रहेगा वो इसके बाद, अभी जो फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वीडियो का, तो ये इतना से इतना पार्ट तक वो ये रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे करके यहाँ पर मैं लिखूंगा जो मेरा सेकंड पार्ट रहेगा चैप्टर का, वो 0.25 से स्टार्ट होगा। तो सेकंड चैप्टर जो है वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि वीडियो में वो कैसे एडिट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 0.25 डाल के यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिट द इवेंट इन गूगल। तो यहाँ से 0 से 0.25 तक ये टॉपिक रहेगा, क्रिएट अ न्यू इवेंट इन गूगल कैलेंडर। एंड 0 से 25 से ये नया चैप्टर मैंने यहाँ पे ऐड किया। अभी उसके बाद जो मेरा फाइनल चैप्टर रहेगा वो रहेगा, वो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे 0 से 2.25 से लेके 1.04 तक मेरा सेकेंड चैप्टर रहेगा। तो 0.1.04 से जो मेरा थर्ड चैप्टर रहेगा, जो कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ 1:04 शेड्यूल मीटिंग डेट एंड टाइम इन गूगल कैलेंडर। तो यस, इतना मैंने मेरे चैप्टर लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ तक 0.1 1.04 से पूरा एंड तक वो थर्ड चैप्टर रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर अभी सेव कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ तो ये चैप्टर यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है यूट्यूब में चैप्टर आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर दिखेगा एडिट द इवेंट इन गूगल क्लासरूम एंड फाइनली लास्ट चैप्टर जो कि यहाँ पे। तो यस, दैट्स इट एवरीवन, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम नया वीडियो डालें। थैंक यू।